क्रेडिट कार्ड मनी टू बैंक अकाउंट फ्री ट्रांसफर विद प्रूफ। अगर आप क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हो, वो भी बिना किसी चार्ज के, तो अपने आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रूफ के साथ सब कुछ दिखाने वाला हूं कि मैं किस तरह अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा अपने बैंक अकाउंट में लेता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। जैसा कि आप सभी को मालूम है, मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड कर रखा है। एक क्या मैंने कई बार ये वीडियो अपलोड कर रखे, मैं आपको दिखा देता हूँ। क्रेडिट कार्ड में यहाँ सर्च करता हूँ, क्रेडिट कार्ड सर्च करते ही ये देखिए कुछ इस तरह की वीडियो आपके सामने आ जाएंगे, जिसमें मैंने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 100% फ्री पैसा ट्रांसफर करके दिखा रखा है। लेकिन कुछ लोग उसमें कमेंट्स करते हैं कि मैं फ्रॉड वीडियो बनाता हूँ, मैं पूरी अमाउंट नहीं दिखाता हूँ। तो चलिए अब मैं ऐसे लोगों को जवाब अपने आज की इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। आज मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि किस तरह मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आता है और मैं किस एप्लीकेशन का यूज करता हूँ। हालांकि इस वीडियो में मैंने उस एप्लीकेशन के बारे में सब कुछ बता रखा है, ये देखिए मैंने पूरा लाइव प्रूफ करके भी दिखा रखा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको समझ ही नहीं आता है। तो चलिए सीधा मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, वहीं पर मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। यहाँ देखिए मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आ चुका हूँ और यहाँ जो मेरी एप्लीकेशन है वो है एचडीएफसी बैंक स्मार्ट हब। तो इस एप्लीकेशन को देखिए यहाँ से मैं ऑन कर रहा हूँ और इसे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद देखिए ये मुझे आज की डेट शो कर रहा है, 1 जुलाई। मैं आपको गूगल पे ले जाके भी आज की डेट दिखा देता हूँ या अपने फ़ोन के स्क्रीन पर आज की डेट मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए फिलहाल 1 तारीख मुझे शो कर रहा है और यहाँ से मैं आपको टुडे डेट और टाइम दोनों ही शो कर देता हूँ। देखिए टुडे डेट फ्राइडे 1 जुलाई, ठीक है, और एप्लीकेशन के अंदर भी मुझे ये 1 जुलाई शो कर रहा है। और यहाँ अभी देखिए मेरा कुछ भी पैसा यहाँ अभी नहीं आया है, ठीक है। अब मैं आपको दूसरे फ़ोन से बारकोड स्कैन करके जो बारकोड मुझे इसमें मिल रखा है, यहाँ जब आप आएंगे पेमेंट में तो हमारा देखिए यहाँ एक QR कोड दे रखा है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा एक QR कोड यहाँ ओपन हो जाएगा। तो हम इसी को स्कैन करने वाले हैं अपने दूसरे फ़ोन में और उसी के माध्यम से क्रेडिट कार्ड का पैसा जो है इस वाली एप्लीकेशन के अंदर लेके आएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ दूसरे फ़ोन में। ये देखिए मैंने अपना दूसरा फ़ोन यहाँ से ऑन कर लिया है। अब मैं आपके सामने यहाँ जीपे ओपन कर रहा हूँ। जीपे ओपन करने के बाद मैंने देखिए ये जो QR कोड है, ये वाला QR कोड, इसको मैंने यहाँ पीछे रखा हुआ है। अब मैं इसको स्कैन करता हूँ, स्वैप, यहाँ से मैं स्वैप करता हूँ और इस QR कोड को मैं स्कैन करता हूँ। ये देखिए स्कैन हो गया। अब मैं आपको यहाँ से 1000 रुपये सेंड करके दिखाता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया और नीचे देखिए कार्ड का ऑप्शन है। अभी देखिए हमारा RBI का जो क्रेडिट कार्ड है वो सेलेक्ट हो रखा है, लेकिन यहाँ से मैं कोडेक वाला जो मेरा क्रेडिट कार्ड है मैं उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी यहाँ देखिए ये डेबिट कार्ड शो कर रहा है हमको, ये कोडेक का ऊपर हमारा क्रेडिट कार्ड इस पर लिखा है, तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं सीधा प्रोसेस टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। अब मेरे रजिस्टर मोबाइल पे एक OTP आएगा, वो OTP मुझे इसमें डालना होगा। ऑटोमेटिकली इसके अंदर OTP आ जाएगा, हम थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये देखिए OTP सक्सेसफुली सबमिट हो चुका। अब मुझे अपने फिंगरप्रिंट के माध्यम से इसको वेरीफाई करना होगा और ये देखिए यहाँ से पेमेंट सक्सेसफुली जा रही है और यहाँ देखिए अभी इसकी प्रोसेसिंग चल रही है। देन मैं आपको दोबारा से अपनी एप्लीकेशन के अंदर आके ये अमाउंट दिखाने वाला हूँ। यहाँ देखिए आप देख रहे हैं मुझे SMS मिला, वॉइस मैसेज भी मुझे मिला। तो फिलहाल मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। अब मैं दोबारा से देखिए अपनी इसी स्क्रीन पे आ चुका हूँ। अभी मैं इसको आपके सामने रिफ्रेश करता हूँ। अभी यहाँ ये 0 शो कर रहा है, तो मैं इसको ऐसे रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ देखिए 1000 रुपये से मुझे शो कर दिए। अभी जो अमाउंट है 24 घंटे के बाद मेरे बैंक अकाउंट में, जो मेरा HDFC बैंक का बैंक अकाउंट है उसके अंदर ये आ जाएगा। यहाँ जब आप देखिए ट्रांजेक्शन पे क्लिक करेंगे तो अभी मुझे ये एक ट्रांजेक्शन दिखा रहा है जो कि प्रोसेसिंग में, अभी इसने मुझे दिखा दिया। और यहाँ जब स्टेटमेंट में आएंगे तो अगर मैं आपको पहले की स्टेटमेंट दिखाऊं, पहले यहाँ देखिए मैं फिलहाल इसको अप्लाई कर देता हूँ और ये देखिए मैंने कितनी अमाउंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बैंक अकाउंट में ले रखी है। टोटल अमाउंट देखिए इसने मुझे शो कर लिया है। तो फिलहाल तो यहाँ से मैं 1 जुलाई सेलेक्ट कर देता हूँ, अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। तो आज की ये अमाउंट इसने मुझे शो कर दी है। तो जो लोग मेरी वीडियो को देख के मुझे बोल रहे थे कि मैंने फ्रॉड वीडियो बना रखा है, तो मैंने उनको लाइव प्रूफ दिखा दिया है। हालांकि मैंने पहले भी लाइव प्रूफ दिखाया था, लेकिन
मुझे लगता है कुछ लोगों को समझ में बहुत कम आता है, तो इसलिए वो इस तरह के कमेंट्स मुझे करते हैं। खैर कोई नहीं, मैंने आपको पूरा लाइव प्रूफ दिखा दिया। आप चाहें तो HDFC स्मार्ट हब एप्लीकेशन का यूज़ करके बहुत ही आराम से अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और इस एप्लीकेशन के अंदर अकाउंट आपका तभी क्रिएट होगा जब आपका HDFC बैंक के अंदर अकाउंट बना होगा। ये देखिए, मैंने गूगल पर लिखा HDFC स्मार्ट हब, और इसके लिखते ही ये वो एप्लीकेशन है जिसका यूज करके मैं क्रेडिट कार्ड का पैसा अपने बैंक अकाउंट में लेता हूँ। इसके अंदर बस आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा, और ये आप तभी करेंगे जब आपका HDFC बैंक के अंदर अकाउंट होगा। अगर आपका HDFC बैंक के अंदर अकाउंट है तो आप कस्टमर केयर को फ़ोन करके इस एप्लीकेशन के अंदर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं, और अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा बहुत ही आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा जो पैसा है 24 घंटे के बाद हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता है।